सब्सक्राइब करें एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री चैनल को, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, हाय हेलो, आप सभी का मोस्ट वेलकम है इस मेरे चैनल पर। मैं हूं सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ स्पेशल बातें। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ स्पेशल एडिशनल नॉलेज। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आज हम विशेष पॉइंट को वर कन्या मिलान में वर्ण आदि अष्टकूट जो हैं और उनका जो महत्व है उसमें, जो वर्ण हम की बात की है, वर्ष की बात की है, तारा की बात की है और अब हम योनि पर विचार कर रहे हैं कि योनि किस तरीके से मैच होनी चाहिए, योनि के क्या प्रकार हैं, योनि किस प्रकार से अपना इफेक्ट करती है और योनि से क्या शुभ लाभ या बैड इफेक्ट, गुड इफेक्ट हमें मिल सकता है, तो इस पर बात करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि वर मेलापक और कन्या के मेलापक में ये सारे अष्टकूट मिलान तत्व बहुत जरूरी होते हैं और इन तत्वों का मिलना विशेष महत्व देता है लाइफ में, गुड फ्यूचर में और मैरिड लाइफ में। तो आइए जानते हैं योनि के बारे में। तो योनि के दोस्तों यहाँ मैचिंग में चार गुण मिलते हैं पूरे, यदि योनि योनि दोनों ही अच्छी मिल जाती हैं तो यहाँ पर जो है चार गुण हमें प्राप्त होते हैं। योनि कूट विचार पर हम विचार करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम बात करें, डिस्कस करें, आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। सो आइए विचार करते हैं योनि कूट विचार पर। फ्रेंड्स, अश्विनी आदि नक्षत्र के अनुसार जातक की योनि ज्ञात की जाती है। वर और कन्या की योनियों का आपसी वैर त्याज्य है, यानी कि अवॉइडेड है। जैसे गौ और व्याघ्र, ये दोनों ही मैच नहीं होते हैं। सिंह और गज, यानी कि हाथी, नेवला और सांप, ये मैच नहीं होते। अश्व और महिष, ये दोनों भी मैच नहीं होते। श्वान और हिरण भी मैच नहीं होते। वानर और मेष, ये दोनों भी मैच नहीं होते। मूषक और मार्जर, इन दोनों में भी परस्पर आपस में ये फ्रेंडली नहीं बल्कि बहुत बड़े शत्रु हैं। ठीक इसी टाइप्स में वर कन्या की योनियों में शत्रु मित्र आदि के संबंधों के आधार पर गुणों की व्यवस्था की गई है, यानी कि गुण प्राप्त होते हैं किस टाइप से हमारे योनि मैच कर रही है। फ्रेंड्स, आपके सामने मैं योनि बोधक जो चक्र है उसे डिस्प्ले कर रहा हूं और आप उसमें देख सकते हैं कि किस टाइप से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में योनि और नक्षत्र लिखे हुए हैं। तो योनियाँ ऊपर आप देख रहे हैं किन किन नक्षत्रों की क्या क्या योनियाँ यहाँ पर दी गई हैं। आप देखिए अश्व, यानी कि अश्व जो ऊपर योनि है, ये किन किन नक्षत्रों में आती है। नक्षत्र नीचे लिखे हैं अश्विनी और शतभिषा में अश्व योनि होती है। गज जिनके नक्षत्र हैं उनका भरणी और रेवती। मेष जिनकी योनि है कृतिका और पुख्य नक्षत्रों की जो मेष योनि होती है। उसी प्रकार से रोहिणी और मृगशिरा जिनके नक्षत्र हैं उनकी योनि सर्प है। आर्द्रा और मूल जिनके नक्षत्र हैं वो उनके श्वान योनि है। पुनर्वसु और आश्लेषा जिनके नक्षत्र हैं उनकी मार्जारा योनि है। मघा और पूर्व फाल्गुनी जिनके नक्षत्र हैं उनका मूषक योनि है। उत्तर फाल्गुनी और उत्तर भाद्रपद जिनके हैं नक्षत्र हैं जन्म नक्षत्र उनके गौ योनि है। हस्त, हस्ता और स्वाति ये जो दो नक्षत्र हैं इनकी महिष योनि है। चित्रा और विशाखा इन दोनों की नक्षत्र जिनके हैं जन्म नक्षत्र उनके व्याघ्र योनि है। अनुराधा और ज्येष्ठा जिनके नक्षत्र हैं उनकी योनि मृगशिरा है। पूर्वाषाढ़ा और श्रवण जिनके नक्षत्र हैं उनके वानर योनि है। उसी प्रकार से उत्तराषाढ़ा और अवज
अभिजीत, ये जो है इनका नकुल यानी कि नेवला योनि है। धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद जिनके नक्षत्र हैं जन्म नक्षत्र, उनके सिंह योनि है। तो इस टाइप से ये मैच की जाती है कि क्या कहाँ पर कोई आपसी वैर तो नहीं है, कोई शत्रुता तो नहीं है, कोई कल के दिन किसी प्रकार का कोई दोनों में कोई बैटल हो सकता है आफ्टर मैरिज। तो इसलिए इसे पहले ही फाइंड किया जाता है, इसे पहले ही क्लियर कर दिया जाता है कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर दोस्तों योनि का मतलब सीधा आपसी झगड़े से होता है, यानी कि अगर मैचिंग योनियाँ प्रॉपर नहीं होती तो यहाँ पर हमेशा जीवन भर झगड़ा बना रहता है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में हम करें तो काट मार, आपस में लड़ाई झगड़ा हमेशा पल पल में ऐसे गृहस्थ आश्रम में चलता रहता है। इसलिए इनको पहले ही फाइंड और क्लियर कर देना चाहिए। तो यही विशेष है इसमें। गुण विभाग, वर कन्या की एक ही योनि होना शुभ है। योनि में परस्पर अति मित्रता हो तो चार गुण, मित्र हो दोनों तो तीन गुण, और स्वाभाविक सहज प्रकृति हो तो उदासीनता, कोई ज्यादा मित्र भी नहीं और शत्रु भी नहीं, तो वहां पर दो गुण मिल सकते हैं। सामान्य वैर हो, चलो ठीक है वैर है लेकिन लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, सिर्फ मन वाली बात है, तो वहां पर दो क्या एक ही गुण प्राप्त होता है। योनियों में बहुत ज्यादा वैर शत्रुता हो तो शून्य यानी कि जीरो पॉइंट यहां पर मिलता है। आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है योनि गुण चक्र, आप इसे देखिए किस टाइप्स में आप यहाँ स्टैटिक में देखेंगे, एक जगह योनि लिखा है दूसरी जगह अश्व लिखा है। तो इसी प्रकार से योनियाँ जो हैं ये एक तरफ आप ले लीजिए कन्या की योनियाँ और दूसरी तरफ राइट में ऊपर आप ले लीजिए वर की। तो अगर दोनों में आप देख सकते हैं अश्व अश्व में यहाँ पर पूरे चार पॉइंट यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा अश्व का महिष के साथ में जीरो पॉइंट और अदरवाइज सबके सामने साथ में जो है दो तीन चार इस टाइप्स में यहाँ पर गुण प्राप्त होते हैं। उसी टाइप में गज, मेष, सर्प, श्वान, मार्जर, मूषक, गौ, महिष, व्याघ्र, मृष, वानर, नकुल और सिंह। ये जो है ये पूरा मैप है और इसी मैप के अनुसार जो है यहाँ पर पॉइंट दिए जाते हैं। पॉइंट ऐसे जो है जैसे कि मार्जारा लड़की का है लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मार्जारा लड़के का है, तो मार्जारा का मतलब है बिल्ली। तो यहाँ पर जब दोनों ही क्रॉस पॉइंट पर हम आएंगे तो यहाँ पर पॉइंट पर जब हम मिलेंगे तो देखिए यहाँ पर चार गुण यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यानी कि ये चार गुण इस तरीके से योनि चक्र में बोधक यानी कि ज्ञान किया जा सकता है। तो इस टाइप में दोस्तों यहाँ पर जो है मित्र और शत्रु की बात होती है, जैसे कि आपको पहले बताया गया कि जो है यहाँ पर योनि परस्पर अगर एक ही योनि दोनों की हो तो ज़्यादा बढ़िया होता है, और अदरवाइज जो है कुछ योनियों में थ्री पॉइंट, दो पॉइंट, चार पॉइंट, जो ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा योनियों में शत्रुता होती है तो वहाँ पर पॉइंट जो ज़ीरो हो जाते हैं। जैसे कि एक लड़के का मूषक है और लड़की का मार्जारा है, मार्जारा है बिल्ली है, तो वहाँ पर जो है बिल्कुल ही ज़ीरो पॉइंट मिल जाते हैं। और ज़ीरो का मतलब इन दोनों की बनती नहीं है, बिल्ली मूषक को खा जाती है या फिर मूषक बिल्ली के सामने टिकता ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो है अगर ये बात हम लागू करें ब्राइडल और ग्रूम्स के साथ में उनके फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पर भी इसी तरह के गुण मिलने वाले हैं, और इसलिए जो है ये विवाह यहाँ पर जो है शुभता नहीं दे सकता। तो ये था योनि का बोधक चक्र, और योनि का बोधक चक्र था इससे जो है हमने पता लगाया किस प्रकार से जो है ये योनि का हमें प्रभाव मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी बात हो चुकी है, अब आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा इस वीडियो में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, और इसी तरीके से बहुत अच्छी वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक वीडियो को कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।